इस वीडियो में आपको एक ऐसा निश बताने वाला हूँ जिसमें आप कॉपी पेस्ट करके $500 से लेके $1000 तक इजीली अर्न कर सकते हो, और ये मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। और इसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आप इजीली रैंक भी कर सकते हो और आप लाखों में ट्रैफिक अचीव कर सकते हो। और बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो नई नई अभी लॉन्च हुई हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर वो ट्रैफिक ड्राइव कर रही हैं अपनी साइट पर। तो आप भी अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, अपने आर्टिकल को लिखना नहीं चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखते रहो। इस वीडियो में डेफिनेटली आप कॉपी पेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हो। गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करके आपकी वेबसाइट पे भर भर के ट्रैफिक होगा। जी हाँ, भर भर के ट्रैफिक होगा। बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना और स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी अगर आपको गूगल में रैंक करना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी साइट पे कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो ना, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे बाद में। अभी देखो, मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगा जिसको आप अगर फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पैसा अर्न करोगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो कोट्स वाली साइट्स होती हैं उन पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग सोचते हैं कि इस पे सीपीसी बहुत कम मिलती है, तो हम ट्रैफिक ला के भी क्या करेंगे जब हमें अर्निंग नहीं होगी। तो इसी को आप देखते रहो वीडियो को, इसी को ध्यान में रख के मैं बेसिकली क्या है इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और जो मैं स्टेप्स बताऊँगा वो आप फॉलो कर लेना, आप डेफिनेटली आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। और अगर आपको ब्लॉगिंग SEO मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रैफिक का प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि यहां पे बहुत ही अच्छा आपको ट्रैफिक मिलता है। अभी देखिए, एक साइट है courselifetime.com और इसमें हम आपको ट्रैफिक इसका चेक करा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ट्रैफिक कितना आ रहा है, 316,000 का ट्रैफिक अभी देखिए जून के महीने में इनको मिला हुआ है। और इसमें आप देख सकते हो नीचे की तरफ, यहाँ पे देखो आप, इंडिया से 93% ट्रैफिक है और 1.58% ये US से है, क्योंकि ये जो कोर्स साइट बनाई गई है वो इंडिया को टारगेट करके बनाई गई है। और इसमें सर्च से देख सकते हैं 85% का यहाँ पे है, मतलब ये गूगल से मैक्सिमम ट्रैफिक ले रहे हैं। और नीचे की तरफ देखें तो 12% कुछ यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट है, यानी कि टेलीग्राम वगैरह या सोशल फॉलो बटन जो भी होगा वहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक साइट जिस पे आप देख सकते हैं 3 लाख से भी ज़्यादा का ट्रैफिक है। दूसरी साइट है, ये देख सकते हैं, एक बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बना के जनरेट प्रेस के फ्री वर्जन के साथ ये बनाया गया है। और ये डिज़ाइन क्या यार, ऐसा कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी ये वेबसाइट बना सकता है वर्डप्रेस पे। और इस पे मैं आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ, ये ट्रैफिक देखो इस पे 4,13,000 मई में 4,13,000 का ट्रैफिक है। उसी तरह अभी देखो जून में 2,69,000 का ट्रैफिक है। अब देखो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी देखो 81% जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, सर्च से आया हुआ है। ठीक है, अब उसी तरह एक और साइट दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये भी साइट अभी नई है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी नहीं है। और इसका मैं डेटा आपको दिखा देता हूँ और इसका डेटा भी आप देख सकते हो, अभी देखो 38,000 था, फिर उसके बाद 37,000 था, अभी देखो 47,000 है, लगभग 50,000 के आसपास इस पर भी ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। और यार देखो ये काफ़ी, अभी देखो इसका तो पूरा डेटा भी फेच नहीं हुआ है सिमिलर वेब में, ठीक है, केवल ट्रैफिक ही फेच हुआ है। तो ये आप समझ सकते हो यार कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है अगर आप यहाँ पे कोर्स साइट शुरू करते हो। और बिल्कुल इसमें सब में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ कैच है जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 पॉइंट रखा हूँ जो आपको करने चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल कॉपी पेस्ट ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या करना है, देखो कोर्स जो नीस है इस पर सबसे पहले आपको कीवर्ड निकाल लेना है। जैसे इस पर कितना ट्रैफिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स। ठीक है, अभी कोर्स मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इंडिया का बस यहाँ पे ट्रैफिक देखूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करते हैं। HRF का यहाँ पे कीवर्ड जनरेटर टूल है, इसमें फ्री में आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं सर्च करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे देखो अपना, तो हमने केवल कोर्स लिखा और इसमें देख सकते हो ना गुड मॉर्निंग कोर्स में कीवर्ड डिफ़िकल्टी 35 है। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी को आपको ध्यान में रख के काम नहीं करना है, आपको कंटिन्यू पोस्ट लिखते जाना है, डेफिनेटली आपको ट्रैफिक मिलने लगेगा जैसे ही साइट आपकी थोड़ी सी पुरानी होगी। इसमें देखो 1 मिलियन तक का सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, मोटिवेशनल कोर्स में देखो 8,24,000 का सर्च वॉल्यूम है। तो उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स वाली जो साइट, कोर्स वाला यहाँ पे हमारा है, कोर्स में देखो 7,86,000 का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है। और ये देखो ये 21 आवर्स है, कोई 2 दिन पहले यहाँ पे अपडेट हुआ है कीवर्ड, कोई 2 दिन पहले है, कोई 10 घंटे पहले,
रहे हैं, तो लव कोर्स देख सकते हैं, लाइव कोर्स देख सकते हैं। अभी देखो कीवर्ड की बात करें तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और देखो सब में लाखों में सर्च है, लाखों में, ठीक है, सब में लाखों में सर्च है। बस इन्हीं को आपको टारगेट करके अपना कोर्स कॉपी पेस्ट करना है अपनी साइट पर, और कॉपी पेस्ट ही केवल नहीं करना है, अभी आगे आपको कुछ और भी करना है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है, बहुत सारा कीवर्ड है। तो हमने आपको दिखा दिया कि इसमें बहुत सारे कीवर्ड है जिनमें बहुत ही ज़्यादा सर्च है, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा देखो ये इजी टू रैंक है। ये कैसे इजी टू रैंक है मैं आपको बताता हूँ। ये इजी टू रैंक इसलिए है क्योंकि इसमें सब जगह कॉपी पेस्ट होता है, और ये समझो ना एक तरह से आप अगर अपनी वेबसाइट की डिजाइन वगैरह अच्छा रख लेते हो ना तो डेफिनेटली आप रैंक कर जाओगे इसमें, ठीक है, क्योंकि सबका कॉन्टेंट इसमें सेम ही होता है। और देखो आप रेगुलर फ्रेश अपडेट करते रहते हो अपनी साइट पर, तो ये डेफिनेटली गूगल को अच्छा सिग्नल जाता है कि हाँ ये हमेशा अपडेटेड रहती है, और यहाँ पे डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर करता है इजीली रैंक करने के लिए, ठीक है, तो आपको डिजाइन पे फोकस करना होगा। तीसरा है जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी लो कंपटीशन है और हाई ट्रैफिक है। अभी देखो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी पे मत जाओ, बस आप सर्च वॉल्यूम देखो, थोड़े बहुत छींटे भी पड़ जाएंगे आपकी ब्लॉग पर ना तो आप यहाँ पे लाखों में ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कीवर्ड है जिसपे लाखों में सर्च वॉल्यूम है। अब आपको करना क्या है, फोर्थ नंबर में मैं आपको बताता हूँ, आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, वर्डप्रेस पे आपको वेबसाइट बनानी है। अब वर्डप्रेस पे इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह कर रहे हो ब्लॉगर पे तो वो आपका जो अकाउंट है वो पेनलाइज हो सकता है, डिलीट हो सकता है आपका ब्लॉग, इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप वर्डप्रेस पे अपना साइट बनाइएगा। और देखो अभी मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ होस्टिंगर, लेकिन क्यों होस्टिंगर रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी जब आप यहाँ पे कोर्स साइट बनाते हो तो ट्रैफिक तो आपको बहुत मिलता है, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो आपको तो ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन सीपीसी बहुत कम होती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्स साइट बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक दो ही बनाना है, आप 3 से 4-5 कोर्स वेबसाइट बनाइए और सब पर आप ट्रैफिक लाइए। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है दोस्तों होस्टिंगर के द्वारा, क्योंकि होस्टिंगर पे अभी देखो मानसून सेल चल रहा है, और इसमें देखो ना नीचे की तरफ एक ऑप्शन है यहाँ पे बिजनेस वेब होस्टिंग और प्रीमियम वेब होस्टिंग में, इसमें आप 100 वेबसाइट रन कर सकते हो, ठीक है, आप 100 डोमेन अगर बाय करते हो तो 100 वेबसाइट यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो अपना। लेकिन यहाँ पे एक खास बात और है, अगर आप पहला ब्लॉग अपना बना रहे हो तो आपको फ्री में यहाँ पे एक डोमेन मिल जाता है, चाहे वो आप प्रीमियम के साथ जाओ चाहे वो आप बिजनेस होस्टिंग के साथ जाओ। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाते हो तो डेफिनेटली मुझे एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा, लेकिन उसके बदले आपको भी कुछ बेनिफिट मैं देने वाला हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाओगे तो मैं आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम आपको फ्री में दूंगा, और आप अपना कोर्स वेबसाइट डेफिनेटली फ्री में यहाँ पे एकदम प्रीमियम थीम के साथ बना सकते हो। होस्टिंग आप लोगे तो आपको डोमेन फ्री मिल जाएगा, उसके साथ साथ जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमें अपना जो इनवॉइस है वो मेल करते हैं। मेल जो है मेरा मेल आईडी वो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के मिल जाएगा, तो परचेज करो और इनवॉइस हमें मेल करो, और वेरिफिकेशन के बाद हम आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, अभी देखो यहाँ पे बेसिकली आपको बाई कैसे करना है होस्टिंगर पो, तो देखो आप प्रीमियम के साथ जा सकते हो, बिजनेस के साथ जा सकते हो, तो ऐड टू कार्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाने के बाद ये ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे होस्टिंगर का कार्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा, और इसके अंदर ही आपको सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आना है, और ये देखो 48 महीने के लिए लोगे तो और भी सस्ता पड़ेगा, 24 महीने के लिए और सस्ता, और 12 महीने के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम के लिए लोगे उतना सस्ता रहता है। तो 12 महीने के लिए आप डेफिनेटली ले सकते हो, मिनिमम आपको 12 मंथ के लिए लेना ही चाहिए, और उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस फ़ोन वगैरह डाल देना है, और यहाँ पे पेमेंट मेथड जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो गूगल पे पेटीएम यूपीआई, ठीक है, सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आपको अपना स्टेट वगैरह सिलेक्ट करना है, और मेक श्योर आप हमारा कूपन कोड ज़रूर यूज करना नीरज यादव। इसमें जब आप कूपन कोड डालोगे ना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कूपन कोड नीरज यादव डाल देना है बिना कोई स्पेस दिए, और अप्लाई कर देना है, इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 3,147 रुपये में आप अपना वर्डप्रेस वेबसाइट कोर्स की साइट लॉन्च कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने आपको बता दिया
कि होस्टिंगर और जनरेट प्रेस पे अपनी साइट को बना लेना है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये देखो फ्री वर्जन के साथ जब बंदा 4 लाख तक का ट्रैफिक ले रहा है महीने का, तो आप प्रीमियम के साथ क्यों नहीं ले सकते हो। अच्छी डिजाइन आप करके और भी अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक गेन कर सकते हो, बस आपको लिखने की और काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली इसमें देखो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ, एक कॉपी पेस्ट ही आपको करना है। अपने कॉन्टेंट को दूसरी साइट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो और सिंपली आप अपनी डिजाइन लेआउट को थोड़ा अलग रखना, ताकि आपकी साइट भीड़ में थोड़ी अलग लगे और गूगल भी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अगला काम है फोकस ऑन योर डिजाइन। जैसा कि मैंने बोला कि आपको एक अच्छा डिजाइन रखना है। छठा पॉइंट है, अब आपको जब ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपको अप्रूवल मिले अपनी साइट पे एड्स को प्लेस करिए और आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट आपको कम से कम 3-4-5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अलग अलग जगह से हर जगह से जब ट्रैफिक मिलेगा तो ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा तो अर्निंग भी आपको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप एक ही साइट से सोच रहे हो एक ही साइट रहेगी तो उस पर आप उतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीपीसी कम होती है। लेकिन आप ज़्यादा वेबसाइट बना लोगे, इजीली रैंक होता है, तो आपको अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये है प्रोसेस पूरा। अगर आप एक कोर्स साइट शुरू करना चाहते हो, कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। धन्यवाद।